साल 2019, 24 फरवरी प्यार के इजहार के दिन कट्टरपंथियों ने मां भारती के बेटों पर नफरत का बम फोड़ दिया, जिसमें हमारे 40 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और पूरा देश गमगीन हो गया। हमले में शामिल 3 जिहादियों के पिंगलान गांव में छिपे होने की जानकारी मिली, जिन्हें ठिकाने लगाने के लिए सेना 17 और 18 फरवरी की दरमियानी रात मैदान में उतरी और सुबह तक मुठभेड़ चलती रही, जिसमें 55 राष्ट्रीय राइफल के 4 जवान शहीद हो गए। इनमें से ही एक था देवभूमि का लाल मेजर विभूति ढौंडियाल। 1985 में जन्मे विभूति 3 बहनों के इकलौते भाई थे और अपने जन्मदिन के जश्न को मातम में बदल अपनों को छोड़ गए। अपनों की चीख पुकार के बीच तिरंगे में लिपटे विभूति दून पहुंचे। गमगीन और देशभक्ति का वो मंजर याद कर शरीर में सिहरन हो उठती है। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा। आज देहरादून में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एक गौरव और गर्व की अनुभूति हमें होती है, श्रद्धांजलि के लिए हम आते हैं। इसके साथ साथ मन में एक दुख और एक कष्ट भी होता है कि इतने होनहार, इतने खुश मिजाज और इतने काबिल एक अधिकारी हमारे बीच में नहीं है। इस क्षेत्र का लड़का, इस क्षेत्र का बेटा, इस क्षेत्र का मित्र, इस क्षेत्र का भाई हमारे बीच में नहीं है। तो आज हम उनकी जीवन को सेलिब्रेट करने के लिए, उत्सव के रूप में मनाने के लिए आज उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये देश उनकी वीर गाथा को सलाम करता है और उनको ये बताने के लिए कि हम ना उन्हें कभी भूले हैं, वो हमारे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और सदैव रखेंगे, इस उद्देश्य से आज हम यहाँ पर आए हैं। बहुत गर्व की अनुभूति हमें होती है। उनके परिवार के ही लोग यहाँ पर हैं, उनके चाचा जी जगदीश ढौंडियाल जी, माता जी भी उनकी आई हैं। दुखों का पहाड़ टूटने के बाद इस तरह की विदाई उनकी पत्नी निकिता के धैर्य, साहस और बेशुमार मोहब्बत की गवाही देती है, जिसके बल पर वे रुकी नहीं और अपनी हाई प्रोफाइल जॉब छोड़ विभू की राह में चल पड़ी और अब बतौर अफसर सेना में पति के काम को आगे बढ़ा रही है। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, उनके परिवार के साथ हम उनके इस दुख को में शरीक होने का एक संदेश देने के उद्देश्य से कि परिवार के साथ समाज है, ये देश है, वे वीर नारियां हैं और उनकी धर्मपत्नी भी इसी प्रेरणा से कमीशन हुई हैं। नफरत के सौदागर कितना ही जहर क्यों ना घोलते रहें, लेकिन निकिता जैसों के प्रेम की प्रेरणा जिहादी मंसूबों पर चोट करती रहेगी। इसी कामना के साथ देवभूमि के विभूति को समय साक्ष्य का सलाम।